ये हम आज खिरसू में हैं। खिरसू पौड़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली है यहाँ पे। सारे पहाड़ जो हैं ढके हुए हैं पौधों से, पेड़ों से, और हर तरह के रंग दिखाई देते हैं। हम दिसंबर में हैं और दिसंबर 4 तारीख है आज 2022 की, और देखिए कितनी शांति है यहाँ पे। सुबह के लगभग 7:30 बजे हैं और ये गढ़वाल विकास निगम का ये एक टूरिस्ट स्टे प्लेस है जहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ पे देखिए कितनी शांति दिखाई दे रही है यहाँ पे। और अगर आप सामने नज़र डालें, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ये पहाड़ों की तरफ देखें कि हिमालय कितना साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और अगर आप इसको गौर से देखें तो पहले जो पहाड़ हैं वो ग्रीन हैं, और जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ जाते हैं वो ग्रीनरी कम होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर शायद कम है वहाँ पे, पौधों और जो जो वन्य जन जीवन है उसके पलने फलने फूलने के लिए। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो इवन जो हिमालय से पहले भी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी कुछ आबादी या कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। शायद एक छोटा डैम है या शायद एक पुल है वहाँ पे। और उसके पीछे आप देखिए बर्फ़ से ढकी हुई ये हिमालय की चोटियाँ हैं, और जो जस्ट हमारे से ऐसा लगता है कि उड़ के वहाँ जा सकते हैं, जो शायद फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता कई बार, पर हमारे मित्र बाइक से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाएँ। काश उनके बाइक में एक दो पंख होते और वो उड़ के पहुँच जाते, पर शायद ये थोड़ा एक मजाक में हमने बोला, पन था ये। वो अपने दैनिक विधाओं के लिए कुछ सामान लेने गए हैं शायद, और फिर हमारे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने की तैयारी में होंगे। इधर देखिए, अब ये आती है यहाँ देखिए कितना कितना फैला हुआ वाइल्ड लाइफ है। देखिए यहाँ पे ना जंगली वो देखिए पौधे, तो जनरली ये जो पेड़ होता है ना ये वाला, ये क्रिसमस ट्री भी होता है, ये सदाबहार वन होता है, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए ये कभी पत्ते नहीं झड़ता है। और जो दूसरे आपके पौधे हैं उसमें आप देखिए आधे ग्रीन हैं, कुछ ब्राउनिश हो गए हैं। तो कई कई जगह पे जैसे मान्यता ये होती है कि जो पतझड़ है वो स्प्रिंग के बाद आता है, पर ऐसा नहीं होता है। पतझड़ जो है स्प्रिंग से पहले भी आता है, ये डिपेंड करता है कि पतझड़ का रीज़न क्या है। तो भारत के ज़्यादातर भागों में पतझड़ जो है स्प्रिंग के बाद आता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो गर्मी के वजह से पत्ते झड़ते हैं ताकि उनकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम इवेपोरेट हो। लेकिन जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें पतझड़ जनरली दिसंबर और जनवरी में आता है, स्प्रिंग से पहले आता है, और उसकी निशानी यही होती है कि जो पौधे हैं वो थोड़े से जरा कलर के यानी ब्राउनिश और पिंकिश कलर के हो जाते हैं और उसके बाद वो झड़ने लगते हैं। लेकिन आप देखिए ज़्यादातर वादियाँ जो हैं यहाँ पे वो ग्रीन है, ये क्रिसमस ट्रीज है, सदाबहार वन है ये, और लोग जो है घरों में इसी पेड़ को ले जाते हैं जो ये बने हुए हैं। तो इस समय हम खिरसू में हैं, और खिरसू के जो आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल लैटलॉन्ग क्या है, ये लगभग 40 डिग्री उत्तर और 73 डिग्री 59 सेकंड्स देशांतर पे है, और अगर आप इसकी ऊंचाई देखें तो लगभग 1700 मीटर सही नहीं है, 1700 मीटर है, लगभग 2 किलोमीटर। और अगर आप हिमालय यहाँ से देखें तो मेरे ख्याल से जो लेसर हिमालयाज है ना, जो शिवालिक्स हैं, वो यहाँ से दिखाई देते हैं। इसके आसपास अगर आप देखें तो एक कंडोलिया मंदिर है जो कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, फिर एक है क्यूंकालेश्वर मंदिर, एक धारी देवी मंदिर है, और एक ज्वालपा देवी मंदिर है। यहाँ से आप लैंसडाउन भी जा सकते हैं जो लगभग 100 किलोमीटर है। और अगर हम और प्लेस के बारे में बताएं तो खिरसू जो है, यहाँ पे जो पेड़ आपको दिखाई देते हैं ना ज़्यादातर पाइन ओक्स ये सब होते हैं। अरे राजू, और ये जो एक दर्शनीय स्थल है, अगर आप चारों तरफ देखें तो ये देखिए धूप खिली हुई है उत्तर की तरफ से, सूर्य आपको दिखाई देता है, यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रबंध अच्छा है, है? ये देखिए पेड़, उनके जो छोटे जो लैपिस लगुली टाइप के धारीदार पेड़ होते हैं। उसके बाद आप अगर आप देखें तो यहाँ पे शांति देखिए आप कितनी है,
एकदम लगता है जैसे एकदम स्वर्ग में रह रहे हैं, है? तो इसमें अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो सुबह आप जब उठते हो तो एकदम से वातावरण एकदम शुद्ध होता है और हिमालय सामने दिखाई देता है, पेड़ों पे थोड़ी ओस रहती है, नीचे भी अगर आप देखें तो ओस नीचे जमी हुई दिखाई देती है आपको, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है तो एक गर्मी का एहसास होता है, एक वार्मथ आती है आपके आपके मन में, और फिर आप नाश्ता करते हो और ब्रेकफास्ट करते हो, इधर जाते हो। और मैं यहाँ पे 22 साल से काम करता हूँ। 22 साल से? अच्छा, और कैसा लगा आपको यहाँ पे? बढ़िया। बढ़िया जी। अच्छा, और गर्मियों में कितना टेम्परेचर हो जाता है यहाँ? गर्मी में ये होता है 22-23। जनवरी में पड़ती है। जनवरी में? कभी फरवरी में पड़ती है। अच्छा, जनवरी नहीं तो फरवरी में पड़ती है। ओके।